नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कहीं मंदिर प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग किया तो कहीं पर निजी स्कूल्स ने बच्चों को ऑनलाइन योगा करवाया। वहीं कोरोना काल को लेकर युवाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग प्राणायाम किया। हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तस्वीरें। नागौर के मूंजवा, बारा के छिपाबड़ाव, तो उदयपुर के सेमारी, सीकर, जयपुर के बस्सी और नागौर के पादुकला की, जहां पर लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग कर मनाया। जालौर के चितलवाना में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान शहर ग्रामीण इलाकों में योग कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बुजुर्गों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं आयुष मंत्रालय की ओर से चौरा गांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान ब्लॉक योग प्रभारी ने योगाभ्यास कराया, साथ ही में कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाया गया। अब खबर टोंक के मालपुरा से है, जहां डिग्गी कल्याण जी मंदिर में सूर्य ग्रहण मोक्ष हवन का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी कृपा शंकर ने बताया कि सूतक लगते ही मंदिर के पट बंद कर दिए थे, तो वहीं रविवार को 3.25 घंटे का सूर्य ग्रहण मोक्ष हवन किया गया। साथ ही में गंगा जल का छिड़काव कर मंदिर का शुद्धिकरण किया गया और ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाकर नई पोशाक पहनाई गई। साथ ही में 56 पकवानों का भोग भी लगाया गया। खबर झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र से है, जहां सारोला गांव में बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों ने मानसून की पहली बरसात में ही बुवाई का कार्य शुरू किया है। किसान दुर्गा सिंह ने इस पर बताया कि क्षेत्र में मानसून ने दस्तक देने के साथ ही सोयाबीन की बुवाई का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि अभी मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा नमी वाले जमीनी इलाकों में अच्छी बारिश होने के कारण किसानों ने बुवाई कार्य शुरू किया है। अब खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां सूर्य ग्रहण को देखने के लिए देश के विभिन्न संस्थाओं के खगोलीय वैज्ञानिकों की टीम पहुंची और अत्याधुनिक उपकरणों से सूर्य ग्रहण का अद्भुत दृश्य कैद किया गया। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए क्षेत्रवासियों की भीड़ भी उपस्थित रही। पूना के असीमित स्पेस एंड एनवायरमेंट सेंटर और पिपरी चर्चवर्ड साइंस पार्क के डायरेक्टर सारंग ओक ने बताया कि इस साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। कंकणाकृति सूर्य ग्रहण 2031 दक्षिण भारत में दिखाई देगा, उसमें भी पूरा सूर्य नहीं ढकेगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण और कोरोना वायरस का कोई संबंध नहीं है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटनाक्रम है, इसे खाने पीने पर कोई असर नहीं रहता। तो वहीं स्थानीय लोगों ने शोध संस्थाओं के अधिकारियों से सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी ली और उसमें बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा भी की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भी सूर्य ग्रहण 99% दिखाई दिया। इस दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक पथरोड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में ग्रहण 25 वर्ष बाद दिखाई दिया है। ग्रहण को देखने के लिए विधायक संतोष बावरी सहित भारी संख्या में नागरिक भी पहुंचे और विधायक ने सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोगों को चश्मे इस दौरान वितरित किए। देशभर में सूर्य ग्रहण का असर मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के ऊपर भी दिखाई दिया। ऐसा एक मामला जयपुर के पावटा क्षेत्र के गांव भाकरी से सामने आया, जहां एक गोवंश और दो परिंदे अचानक घायल होकर गिर गए, जिस पर छात्र मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा ने बताया LS गोविंद भारद्वाज को इसकी सूचना दी। सूचना पर भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर गोवंश और दोनों परिंदों का उपचार किया, जिसके बाद तीनों जीवों की हालत में सुधार है। भारद्वाज ने बताया कि सूर्य ग्रहण के चलते वातावरण में हुए बदलाव को पशु पक्षी सहन नहीं कर पाए। इस दौरान डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा, अंबिकेश्वर, प्रिंस बोधुराम इत्यादि उपस्थित रहे।
खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के द्वारा अध्यक्ष संतोष कुमार की अध्यक्षता में पदाधिकारियों सहित सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस पर सरकारी गाइडलाइन के अनुसार महोत्सव नहीं मनाने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही पदाधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकार प्रेम सोनी सहित कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। अब खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा कुंभकार कला को प्रोत्साहन देने को लेकर माटी कोठी कला से जुड़े लोगों को 80 इलेक्ट्रिकल चाक और 8 ब्लचार मशीन का वितरण किया गया। इन्हें पाकर कुंभकारों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि समारोह के अंतिम दिन इलेक्ट्रॉनिक चाक वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक बद्रीलाल पोखरण, नगर पालिका अध्यक्ष आनंदी लाल गुचिया इत्यादि उपस्थित रहे। मदन जी प्रजापत से अध्यक्ष कुंभकार जोरदार तालियों के साथ में साथ ही। अब खबर राजधानी के चाकसू से है, जहां ग्राम पंचायत आजमनगर और थली में चल रहे मनरेगा के कार्यों का विधायक ने निरीक्षण और अवलोकन किया। इसी के साथ सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मास्क पहनने और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। तो वहीं चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने अधिकारियों को छाया पानी की व्यवस्था करवाने के भी इस दौरान निर्देश दिए। खबर सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर से है, जहां टिड्डी दल की दस्तक के बाद किसानों में अफरा तफरी मच गई। टिड्डियों के हमले से फसलों को बचाने के लिए किसान खेतों की तरफ दौड़ पड़े। साथ ही में खेतों में पहुंचकर पटाखे, थाली और पीपे बजाकर टिड्डियों को भगाया गया। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार किशन मुरारी मीना, सहायक कृषि अधिकारी राम सहाय मीना, पटवारी गिरदावरों के साथ भूका, सारंगवासा और गोजारी गांव पहुंचे, जहां पर अमरूदों के बगीचे में टिड्डियों के बैठने से नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक टिड्डी दल का पड़ाव बामनवास उपखंड के गोठ गांव में रहा। इसके बाद टिड्डी दल का मूवमेंट मलारना डूंगर क्षेत्र में हो गया। अब खबर राजधानी के फागी से है, जहां कोरोना की महामारी के दौरान लोगों को एक और चिंता सताने लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टिड्डी दल की। फागी में भी टिड्डी दल ने खेतों पर हमला कर दिया। टिड्डियों ने सब्जी की फसलों सहित अनेक प्रकार की फसलों को यहां नुकसान पहुंचाया है। हमले से भयभीत किसानों ने थाली, बर्तन, पीपे और डीजे बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने बताया कि टिड्डी दल ने फागी के आसपास के इलाकों में खेतों में बोई हुई मूंगफली और अन्य फसलों को चौपट कर दिया। तो वहीं श्रीगंगानगर के घटसाना स्थित पथरोड़ा गांव में लाखों की संख्या में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीकी क्षेत्रों में पाकिस्तान की ओर से लाखों की संख्या में टिड्डियों ने प्रवेश कर लिया और करीब 22 किलोमीटर क्षेत्र में फसलों को चट कर दिया। अचानक हुए टिड्डी हमले से किसानों की चिंता बढ़ गई। किसानों ने फसल बचाने के लिए अपने स्तर पर कई प्रकार के प्रयास किए। गरसाना के निकटवर्ती गांव में एक तरफ कोरोना का काल, वहीं दूसरी तरफ टिड्डियों का आतंक। बॉर्डर से कहीं ना कहीं करोड़ों की संख्याओं में टिड्डियों ने अटैक कर दिया है। नव अंकुरित फसल जो है वो चौपट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि खाली पिंपे और थालियां लेकर जो है, जो किसान है, जो ग्रामीण है, वो कहीं ना कहीं खेतों में आ चुके हैं और टिड्डियों को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं निकटवर्ती ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार आज किसानों की फसल जो चौपट हो चुकी है टिड्डियों का एक तरफ अटैक और दूसरी तरफ कोरोना का काल, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरे पड़ोसी ग्राम पंचायत है पथरोड़ा, मैं घटसाना सरपंच हूँ। और जैसा कि अभी हमने सड़क पर देखा टिड्डियों का सिस्टम, और इधर खेत के अंदर भागती हुई परिवार पूरा भाग रहा है, थाली बजा रहा है, टिड्डियों को उड़ाने का प्रयास कर रहा है कि जैसे तैसे उनके खेत में टिड्डियां नहीं बैठे। तो निश्चित रूप से किसान के ऊपर दोरी मार है, एक तो कोरोना का कहर है और दूसरा ये टिड्डियों का कहर है। दोनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं और इस समय जो मानव जाति है वो दोनों प्राकृतिक आपदाओं से परेशान है। आज एक और जहाँ सूर्य ग्रहण के दर्शन करने के लिए पथरोड़ा गाँव, पूरा पथरोड़ा जो गाँव है
पूरे भारत का केंद्र बिंदु बना हुआ था कि सूर्य ग्रहण पतरोड़ा से दिखाई देने वाला था, वैसे टिड्डियों के मामले में भी गढ़साना का पतरोड़ा क्षेत्र जो है सुर्खियों में आने वाला है। बिल्कुल, पहले भी कहीं ना कहीं टिड्डियों ने अटैक किया है, फसलें चौपट हो चुकी है, क्या संबंधित महकमे को अवगत करवाया आपने? अभी तक मैं यहाँ के सरपंच से बात करता हूँ, अभी चैल साहब हैं, सरपंच साहब हैं, उनसे बात करके उनको जो कृषि प्रेक्षक यहाँ लगाए गए उनको अवगत करवाएंगे। अभी शायद जो किसान है वो तेरे खेतों में भाग रहे हैं, बेटियां बच्चियां और माताएं बहन लगी हुई हाथ में थाली लेकर करछियां लेकर बजाने के लिए, ताकि जैसे तैसे उनके खेतों में टिड्डियां नहीं बैठे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि तमाम जो ग्रामीण हैं वो इन टिड्डियों को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो फसल है वो कहीं ना कहीं बच सके। वहीं संबंधित महकमे को भी अवगत करवाया जाएगा ताकि वो कहीं ना कहीं बार बार बॉर्डर इलाके से ये टिड्डियां अटैक कर रही है, और बार बार किसान ये मांग भी करते हैं कि जो इनकी फसल जो मुआवजा है वो दिया जाए ताकि कहीं ना कहीं उसे राहत मिल सके। मैं मेरे सहयोगी धीरज के साथ विकास परिक A1 TV गरसाना। पाली के मारवाड़ जंक्शन में यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष जगदीश डी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति की शव यात्रा निकाली और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत चीन सेना की झड़प में शहीद हुए जवानों को भी इस दौरान याद किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ चीनी सामान के बहिष्कार का भी आह्वान इस दौरान किया गया। सीमा पर जिस प्रकार से विवाद चल रहा है और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी शहीदों की शहादत को नमन करते हुए आज हमने मारवाड़ जंक्शन के आउवा रोड से पुलिस थाने के सामने गौरव पथ तक चीन के राष्ट्रपति की शव यात्रा निकाली है। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां कोरोना वायरस अब शहरों के साथ साथ गांव में भी अपनी दस्तक देने लगा है। आज सारुला में 2 कोरोना के पॉजिटिव मिलने के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया। इस दौरान प्रशासन ने पूरे इलाके को 0 मोबिलिटी क्षेत्र में घोषित कर दिया। तो वहीं अब झालावाड़ में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 367 पहुंच गई। गांव सारुला कला में 2 पॉजिटिव केस मिले, आकाश सनोग लटूलाल, प्रमोद नेकाड़ी और प्रभुलाल। इनके प्रशासन के माध्यम से स्क्रीनिंग की गई और उनके घर पे जाके हम लोगों ने प्रशासन SDM साहब, DDO साहब सब ने मिल के 0 मोबिलिटी उस एरिया को घोषित कर लिया गया और उनको प्रमोद और आकाश को होम आइसोलेशन के लिए पाबंद कर दिया गया। अजमेर के विजयनगर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। सिंधी पंचायत की ओर से क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिए अपनी सेवाएं दे रहे लोगों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष सचिन साखला, उपाध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा, डॉक्टर अरविंद उदय और थानाधिकारी विजय सिंह रावत सहित पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। खबर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से है, जहां मिरगिया गांव में खेत में बनी डिग्गी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त बजरंग जाट, राकेश प्रजापत और रामनिवास जाट के रूप में हुई, जिसमें बजरंग जाट आर्मी में सेवारत था। जानकारी के मुताबिक तीनों युवकों ने खेत में बनी डिग्गी में नहाने का प्रोग्राम बनाया, जहां नहाते समय एक युवक डूबने लगा, जिसे बचाने के चक्कर में तीनों युवकों की जान चली गई। सूचना पर CO धर्माराम गिला में जाप्ते मौके पर पहुंचे और युवकों के शव को श्री डूंगरगढ़ मोर्ची में रखवाया। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में शनिवार को खाड़ी में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद रविवार को आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कोटा शोपुर राजमार्ग पर जाम लगा दिया और ग्राम पंचायत पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उचित मुआवजे का आश्वासन देकर इस मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि श्री रामनगर में रहने वाला त्रिलोक अपने दोस्तों के साथ खेलने गया और खेलते समय वो खाड़ी में चला गया, जहां गहरे गड्ढे में डूब गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। तो वहीं ग्रामीणों ने बच्चे की खोज की। इसी के साथ पुलिस और ग्राम पंचायत को भी सूचना दी गई, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं आया। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त था। जो नाड़ा है उसके अंदर गिर रहे थे, उनमें से एक बच्चा उस नाड़े के जो खड्डा था उसके अंदर गिर गया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी।
और मृतक का नाम त्रिलोक सनोक रिंकू राठौड़, ये 12 साल का बच्चा था जो वहां उधर खेलने के लिए गए थे। फिर उसके परिजनों ने उस बच्चे की बॉडी को तलाश करने के बाद वो मिल गया, उसको पानी से निकाल करके और मंडी गेट के सामने उसकी बॉडी को रोड पे हाईवे पे रख दी और हाईवे को जाम किया है। अब खबर जालौर के आहोर से है, जहां कबला गांव के तालाब में नहाने गए एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कवराड़ा निवासी 10 वर्षीय बालक अपने साथियों के साथ तालाब पर नहाने गया, जो कि तालाब में गहरे पानी में डूब गया, जिससे कि बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाया गया। अब खबर राजसमंद से है, जहां रेलमगरा थाना क्षेत्र के कुंडिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाहिता के पेहर पक्ष के परिजनों एवं ग्रामीणों ने विवाहिता की हत्या किए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों पक्षों के परिजनों से समझाइश कर मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आपको बता दें कि इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। दूसरी ओर पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अब खबर बाड़मेर के चौटन क्षेत्र से है, जहां कोनरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें करीब एक दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों गुटों में लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था, लेकिन अब खेत की बुवाई के समय दोनों गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने कार से नकली शराब जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सागवाड़ा थानाधिकारी दिलीप दान ने बताया कि मुखबिर के जरिए सारोदा से निकली शराब की तस्करी की सूचना मिली। इस पर सारोदा में नाकेबंदी कराई गई। इस दौरान एक सफेद रंग की कार आई और नाकेबंदी तोड़ते हुए फरार हो गई। पुलिस ने कार का पीछा करके उसे पकड़ा। इस दौरान कार से पुलिस ने 6 कार्टन शराब के जब्त किए। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। प्रदेश में अवैध शराब तस्करी जोरों पर जारी है। एक बार फिर ही ऐसा मामला देखने को मिला राजधानी जयपुर शहर के चंदवाजी थाना इलाके में, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3 लग्जरी गाड़ियों में भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक चंदवाजी थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा को सूचना मिली कि गुरुग्राम से 3 लग्जरी गाड़ियों के जरिए जयपुर में शराब की तस्करी की जा रही है। इसकी सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खबर अलवर के रामगढ़ क्षेत्र से है, जहां दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन पुलिया से ट्रैक्टर गिर गया, जिसके चलते चालक मोहम्मद सिद्देल झारखंड निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में दिल्ली अजमेर हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल तेज रफ्तार में आ रही एक पिकअप कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वही घटना के बाद दौलतपुरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को टोल एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक पिकअप में फंस गई और काफी दूर तक चालक बाइक को घसीट कर ले गया। लोगों के पीछा करने के बाद पिकअप चालक पकड़ में फिर भी नहीं आया। हालांकि पुलिस अब पिकअप की तलाश कर रही है। अब खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां उपखंड अधिकारी अवधेश मीना समेत तहसीलदार, पालिका अध्यक्ष और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बालसमंद बांध में आने वाली नहर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पिछले 30 वर्षों से चोक हुई नहर प्रणाली को फिर से शुरू करने के तरीकों पर विचार किया गया।
अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां एक बार फिर से एवन टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि 12 जून को गांव महमदपुरा की क्षतिग्रस्त सड़क की खबर को एवन टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और बयाना से बंद बारेठा जाने वाली करीब 1 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया। अब खबर दौसा के लालसोट से है, जहां चीन के द्वारा कायराना हरकत के बाद आम जनता में भी रोष व्याप्त है। इसे लेकर लोगों ने जगह जगह चीनी उत्पादों की होली जलाकर अपना रोष प्रकट किया और आम जनता ने यह संकल्प लिया कि हम चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा लालसोट में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।